तुम लोग भी अजीब हो, बाकी वीडियो में रिस्पॉन्स नहीं करते। जब बात महेश की आती है तुम सालों टूट पड़ते हो, उसमें ऐसा क्या है? देखो ना, हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक पहनते हैं ना, वायर हेयर, अपर्स ये सिल्वर सिल्वर। तुम सबको यही देखना था, तुम सालों को सिल्वर से लगा हो गया। तड़प ही ऐसी है ना। और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, सबसे महंगी चीज। और इतना भी महंगा नहीं, जीबी रोड में 250 का मिल जाता है। वैसे मैंने जो लास्ट टैटू बनाया था वो भी दिखाया था आपको। दिखेगा यार, सबको दिखेगा। टैटो क्या दिखा रहा है? पिछली वीडियो में तो गांडे दिखा दिया था, क्या तुम लोगों ने देखा नहीं है? अरे वीडियो चैनल पे पड़ा है, जाके देख लो पहले। बात तो सही है। क्या भोकरा बचका नहीं है, छप्पन है, अगली के साथ सो रहा, बट दिल में अभी भी अपन है। तेरे माँ बाप मर रहे शर्म से, करियर तेरा दफन है। प्लीज दोबारा गाने मत लग जाना। So, hey guys, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में वापस मेरे पास आ चुके अश्लील कंटेंट। हाँ पता है, आप शुरू कर। देखो ना, हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक पहनते हैं ना। आज देखो, आज क्या पहना? मतलब कुछ पहना नहीं है, चिपकाया है, अब उतर के खा ले। रे दे, मैं उठाता हूँ। अच्छा वाला एंगल लो पहले। नहीं अच्छा वाला ले, ऐसे लो। हाँ ऐसे ठीक है। अबे ब्लॉग बन रहा है या फिर MMS, जो तुम लोगों को एंगल अच्छा चाहिए। लो अब इनको भी वायरल होना है, अब ब्लॉग्स नहीं MMS आएगा। आगे बोलना नहीं पता। बता ना, बता ना। वैसे ये कपड़े कहाँ से लिए? सॉरी, देखो ना खुद के है, एक बार घूमना जरा। ये देखो थाईलैंड का दलाल ब्लॉग्स में कपड़े बेच रहा है। यही सब देख के मैं इनको अश्लील बोलता हूँ, और कुछ लोगों को लगता है कि मैं इनके लिए कम बोलता हूँ। बात तो सही है। वैसे ये कपड़े कितने मिले तुम्हें? स्पॉन्सर फ्री में रहेगा तो नाम ले, नहीं रहेगा तो जाने। नाम कोई ब्रांड का नाम कुछ नहीं। PNG ज्वेलर्स। इयररिंग कितने प्यारे हैं देखो। इयररिंग मेरे खुद के। और शूज तो लास्ट टाइम तूने पहना था भाई। शूज निकाल के रख दिया। अरे महेश भाई, हमको अश्लील कंटेंट देखना है। ये कपड़े तो मीरा रोड में मिल जाता है। टैटू को छोड़ के कपड़े, जूते, इयररिंग सब तो दिखा दिया, अब गांड दिखा दे। वैसे वो तो दिखा नहीं, पर तुम लोगों को कुछ यूनिक सा दिखाऊंगा, आ जाओ देखते हैं। गाइस, आज जो पियर्सिंग है वो थोड़ा सा प्राइवेट है, तो ये जो पियर्सिंग है ये निप्पल पियर्सिंग है। ये अश्लील नहीं, नॉर्मल है, कर क्या रही है, बस छेदी तो है पर निप्पल में। और तुम सालों प्राइवेट बोल के सब कुछ तो दिखा देती हो। नहीं, तुम्हारे हिसाब से प्राइवेट का मतलब क्या होता है? मुंह में चड्डी पहनना। पियर्सिंग करने आए हैं तो वो हम आपको जल्दी ही बताएंगे। तुम्हारे चैनल में टैटू के अलावा सब कुछ दिखता है, बस एक टैटू को छोड़ के। तो हम मैम के दोनों भी निप्पल पियर्सिंग करने वाले। आई एम सॉरी टू से, पर इतना छेद का क्या करोगे, जब काम एक में ही होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सीजर है, ये जो फोर्सेप्स रहते हैं, फिर ये जो स्टड्स है, ये जो यूज करने वाली हूँ, ईयरबड्स क्लीनिंग के लिए लगते हैं, ये जो दो नॉर्मल गेज रहते हैं 16 गेज के दो नीडल्स है तो वो है, ये दोनों अल्कोहल स्वैब्स है, वहाँ पे मेरे ग्लव्स है, और ये जो है वो एक लाइडोकाइन का स्प्रे है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया रहता है तो वो स्प्रे करने से वहाँ पे थोड़ा सा वो स्प्रे मेरे आंखों में डाल दो, मेरे आंखों से ज्यादा सेंसिटिव और कुछ नहीं है। वीडियो के लिए इन आंखों से क्या क्या देखना पड़ रहा है, और तुम सालों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे आंखों में चश्मा चढ़ जाएगा, तो तुम सालों जल्दी से सब्सक्राइब करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये सर के लाइफ में सबसे बुरे दिन चल रहे, और ये क्यों चल रहे तो मैं जरूर बताऊंगा। महेश भाई, और इसका लॉजिक किसी दिन ऑस्कर को लेके ही मानेगा। नहीं, लाइफ में बुरे दिन चल रहे तो मंदिर जाओ, भक्ति करो। टैटू शॉप में क्या कर रहा है? नहीं, टैटू शॉप में भक्ति चल रहा है। के पहले बताओ सर, जो आज टैटू बना रहे वो अपने हाथ पे, दोनों हाथ पे टैटू बना रहे, वो है कर्म और मोक्ष। और कर्म का मीनिंग आपको सबको पता है, कर्म म्हणजे अच्छे कर्म या बुरे कर्म, और मोक्ष मतलब मुक्ति को प्राप्त करना। और ये दोनों टैटू सर को अपने बुरे वक्त में करना था। कर्म और मोक्ष का टैटू सर को बुरे वक्त में करना, इससे ज्यादा बुरा दिन क्या होगा किसी का, इन दोनों भड़वे को मैं झेल रहा हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा पहला आदमी देखा जिसका ब्रेकअप होने के बाद भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लिखा है। ये देखो भाई ने लिखा है तानिया। तानिया, अरे ऐसा क्यों लिखा है ये तो भाई बताएगा। मुझे पता है मेरे लाइफ में कभी नहीं मिलेगी, फिर भी मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू तानिया। हाँ भोसड़ी का ऐसा ही करता रहे, अब 10-15 साल में हीर रांझा, लैला मजनू नहीं, तेरा ही प्यार चलता रहेगा। नहीं भोसड़ी के इतना चुतिया पाक कहाँ से कर लेते हो, गाड़ नहीं चलता। तो हे गाइस, तो आज जिसका मैं टैटू बना रहा है वो है यंगेस्ट बिजनेसमैन। मैंने देखा है तो इसके बहुत सारे बिजनेस है गाइस, और भाई के साथ वैसे दो बाउंसर आ चुके। भाई के बाउंसर देख के हम लोग थोड़ा डर गए थे, वैसे देखा है तो लो अब कर लो बात, वड़ा पाव का ठेला लगाने वाला बिजनेसमैन बन गया। और हाँ, वो बाउंसर नहीं, लोमड़ी का टट्टो लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। देखो अब ये वीडियो मैं यही एंड कर रहा हूँ, और मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ कि क्या है ऐसा महेश चावन में जो तुम लोग इतना रिस्पांस देते हो। दूसरे वीडियो में भी ऐसा ही रिस्पांस दो, अच्छा लगता है, मेहनत करके बनाता हूँ तुम्हारे लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और जिसको ऐसा वीडियो देखना अच्छा लगता है उनको शेयर करो वीडियो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं चलता हूँ, मिलते अगले वीडियो में।